अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस आपको अलाउ करता है सिक्स टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, देन हायरार्किकल, हाइब्रिड एंड मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। आज की वीडियो में हम सिंगल इनहेरिटेंस की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम सिंगल इनहेरिटेंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सिंगल इनहेरिटेंस बाय डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास एक सब क्लास होती है और एक आपके पास जो कि आपके पास इनहेरिट हुई होती है एक बेस क्लास है, यानी कि आपके पास एक बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है। डिराइव क्लास ने सिर्फ और सिर्फ एक बेस क्लास को इनहेरिट किया है। सो अगर मैं इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास क्लास ए और अगर मैं यहाँ से इसको इनहेरिट करूँ तो हमारे पास सबसे पहले आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में कि जब हम इनहेरिट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास विजिबिलिटी मोड आता है, जो कि हमारे पास तीन थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर आपको ये विजिबिलिटी मोड्स क्लियर नहीं है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हो, जब आपको क्लियर हो जाएंगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। सो हम यहाँ पर इसको पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, पब्लिक ए। सो अब ये जो हमारे पास इस टाइप की जो भी इनहेरिटेंस है इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक डिराइव क्लास है जिसने एक बेस क्लास को इनहेरिट किया एंड दैट्स इट। ये हमारे पास सिनेरियो है। सो अब अगर हम एक एग्जांपल लें जिसमें हमारे पास एक पर्सन क्लास है और हम पहले पर्सन क्लास को अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है जिसको हम कहते हैं कि पर्सन। अब ये हमारे पास जो क्लास है इसमें हमारे पास इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, इस क्लास के अंदर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि एक पर्सन के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पर्सन हैज़ अ नेम, पर्सन हैज़ अ एज, जेंडर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हर किसी बंदे के हैं, ठीक है। सो हमारे पास जितनी भी कॉमन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, हम इनहेरिटेंस में क्या करते हैं कि जितने भी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सबको हम बेस क्लास में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज अगर अभी हम दो करेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, फर्स्ट हम ले लेते हैं पर्सन एज एंड देन हम ले लेते हैं पर्सन नेम। सो यहाँ पे मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी स्ट्रिंग लाइब्रेरी सो दैट आई कैन यूज़ स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अच्छा, सो हमारे पास इस क्लास के अंदर दो मेंबर वेरिएबल्स हो गए, एक हमारे पास एज हो गया और दूसरा हमारे पास नेम हो गया। अब लेट्स सपोज हम इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। एंड देन हम इसका एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारे पास इन वैल्यूज़ को जो है वो सेट कर रहे सेट पर्सन डाटा के नाम से। सो हमें यहाँ पे पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे, हम भेज देते हैं इंट ए। सो अभी तक आप लोगों को क्लियर होगा कि हमारे पास सेटर फंक्शंस क्या होते हैं, गेटर फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि हमारे पास एक्सेसर और म्यूटेटर फंक्शंस क्या होते हैं। सो मैंने एक सेटर फंक्शन बना दिया जो कि हमारे पास एज और नेम की वैल्यू को एक साथ सेट कर रहा है, और हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि उनकी वैल्यूज़ को बाय डिफॉल्ट एज को जीरो सेट कर रहा है और नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर रहा है। सो ये हमारे पास पर्सन क्लास क्रिएट होगी। अब अगर हम इसे इनहेरिट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ भी होंगे जिनकी क्लास जो है वो पर्सन क्लास से डिफरेंट होगी। फिर उसमें हमारे पास कुछ स्टाफ होगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे। सो हर जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए और स्टूडेंट्स हो गए, इन सब के अपने अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। सो हमें इन सब की डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करती हूँ जिसको मैं कहती हूँ एम्प्लॉय। अभी अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पर्सन की क्लास नहीं बनाती हूँ, मैं एम्प्लॉय की क्लास बनाती हूँ, मैं स्टाफ की क्लास बनाती हूँ, देन मैं स्टूडेंट्स की क्लास बनाती हूँ, तो एक पर्सन के जितने भी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें हर एक क्लास के अंदर लिखने पड़ेंगे, जैसे एज हो गया, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे पास कॉमन हैं इन सब के दरमियान में, जो स्टूडेंट्स के पास भी हैं, फैकल्टी के पास भी हैं, स्टाफ के पास भी हैं, वो सारे के सारे हमारे पास कॉमन हैं।
तो अगर हम इस तरह से करेंगे, हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते और हम इन डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इन क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप भी होगा डेफिनेटली, सो ये होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिडंडेंट डाटा आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते. अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है, ये रीयूजबिलिटी को सपोर्ट करता है. ठीक है, रीयूजबिलिटी मीन्स कि आपके पास बेस क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं या मेंबर वेरिएबल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए कोई और क्लास जो है अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे सके. सो लेट्स सपोज हमारे पास एम्प्लॉय की एक एट्रीब्यूट है जिसको हम सैलरी कहते हैं. हम सैलरी ले लेते हैं फ्लोट में, एंड देन हम अगेन इसके कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं. एंड देन हम इसके एक और फंक्शन बना देते हैं जो कि हमारे पास सैलरी को सेट करे. सो हम इसको कहते हैं वॉइड सेट एम्प्लॉय डेटा. सो हमारे पास एम्प्लॉय क्लास की भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है. अब हमारे पास जो है, हमने इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करनी है, सिंगल इनहेरिटेंस. सो हम इनहेरिटेंस को क्या करेंगे कि हमारे पास जो एम्प्लॉय क्लास है वो पर्सन क्लास के जितने भी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इनहेरिट कर लेगी, उनको डिराइव कर लेगी. सो डिराइव का सिंटेक्स अगेन, अब तक आपको याद हो गया होगा कि हम यहाँ पे एक कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद हमारे पास विजिबिलिटी मोड आएगा. विजिबिलिटी मोड में इसको अभी पब्लिक रखती हूँ, ठीक है. एंड देन हमारे पास पर्सन क्लास, जिस क्लास को हमने इनहेरिट करना है उसका नेम आ गया. सो हमारे पास इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गई. इट मीन्स कि हमारे पास जितने भी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सन क्लास के, वो हमारे पास अब एम्प्लॉय क्लास में इनहेरिट होके आ चुके हैं, ठीक है. अब पब्लिक इनहेरिटेंस किस तरह से वर्कआउट करती है ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. सो हमारे पास फ्लोट है, सो हम इसको इस वैल्यू से इनिशलाइज कर देते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम मेन क्लास में इनहेरिटेंस की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, अगर हम मेन क्लास में एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, सपोज एम्प्लॉय वन, ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे E1 डॉट लगाती हूँ, तो अब आपके पास देखो तो हमारे पास एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एज भी है, नेम भी है, सैलरी भी है, लेकिन ये सारे के सारे डेटा मेम्बर्स जो हैं ये हमारे पास प्राइवेट हैं. और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्राइवेट मेम्बर्स जो हैं वो इनहेरिट कभी भी नहीं होते हैं. हाँ, आप किसी उनको पब्लिक फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. सो हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया है सेट एम्प्लॉय डेटा के नाम से, ठीक है, पर्सन डेटा के नाम से, जिसको हम यूज़ करते हुए इन प्राइवेट डेटा मेम्बर की वैल्यूज़ को सेट करेंगे. सो मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ यहाँ पर, एंड हम वैल्यूज़ पास करते हैं. सबसे पहले हमारे पास पर्सन एज थी, सो लेट्स सपोज पर्सन एज इज 25 एंड देन पर्सन नेम. सो हम पर्सन नेम दे देते हैं. तो हमारे पास एम्प्लॉय वन की एज जो है वो 25 सेट हो गई है, एंड नेम हमारे पास उसका अब्रार सेट हो गया. एंड देन नाउ अगर हम उसकी सैलरी सेट करनी है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं. हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम E1 डॉट एम्प्लॉय डेटा, एंड देन उसकी सैलरी, जो भी आपने सैलरी सेट करनी है आप वो सेट कर सकते हो, ठीक है. सपोज़ हम इसको 2.0 सेट कर देते हैं, एंड दैट्स इट. हमारे पास एक एम्प्लॉय का जो है वो हमने नेम, एज एंड सैलरी जो है वो सेट कर दी है. और नेम और एज जो हमारे पास थे मेंबर्स से, प्राइवेट मेंबर्स से बेस क्लास के. सो आपके पास इनहेरिटेंस, ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी, जिसमें हमने ये देखा कि हम लोगों ने क्लास के एट्रीब्यूट्स को किस तरह से एक्सेस किया. अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ. लेट सपोज कि कोई ऐसा सिनेरियो होता है कि आपने एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, उसके सेंटेक्स मैं आपको बता देती हूँ. अगर मुझे यहाँ पे लेट सपोज सेट पर्सन डेटा के फंक्शन को कॉल करना है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसका मेथड देखा था, हम उसको रिवाइज करते हैं. तो हम उस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे कि हम पर्सन क्लास नेम लिखेंगे, जिस भी क्लास से, जिस भी क्लास के डाटा मेंबर को आपने कॉल करना है उसका आप नाम लिखोगे, देन स्कोप रेसोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन सेट पर्सन डाटा, राइट. सो आपने इसका फंक्शन जो है बेस क्लास का फंक्शन जो है वो डिराइव क्लास के फंक्शन के अंदर अगर आपने कॉल करना है, तो उसका मेथड ये है. एंड देन यहाँ पे लेट सपोज अभी आपके पास एरर है, हम इसको हार्ड कोडेड वैल्यूज दे देते हैं. लेट सपोज नेम इज, ठीक है. सो दिस इज अ सेंटेक्स कि अगर आपने किसी फंक्शन को, बेस क्लास के फंक्शन को
डिराइव क्लास के फंक्शन के अंदर कॉल करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। सो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड देन हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमारे पास कोड जो एग्जीक्यूट हो गया, अभी तक हमने कुछ डिस्प्ले नहीं करा था, दैट इज़ वाई हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा। सो अगर हम इसको डिस्प्ले भी कराना चाहें तो हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। सो आई गेस डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो लेट्स सपोज हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं void display। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो एम्प्लॉय का नेम जो है ये हमारे पास बेस क्लास का मेंबर है, सो हमें इसको क्लास के नाम से एक्सेस करना है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे इसको करती भी हूँ प्रिंट तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है, कि हम प्राइवेट मेम्बर्स को इनहेरिट नहीं कर सकते। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बेशक हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप जो है वो पब्लिक है, बट इट डजेंट मीन कि हम प्राइवेट डाटा मेम्बर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो इनको एक्सेस करने के लिए कोई ऐसे डाटा मेम्बर्स जो कि आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ डिराइव क्लास एक्सेस करें उनको, और उसके अलावा कोई और क्लास ही मेन फंक्शन या कोई भी और ग्लोबल फंक्शन एक्सेस ना करे, तो आप उन प्राइवेट मेम्बर्स को प्रोटेक्टेड कर सकते हो। सो हम अगर इन प्राइवेट मेम्बर्स को यहाँ से चेंज करते हैं इनकी डाटा टाइप और हम यहाँ से प्रोटेक्टेड कर देते हैं। सो अब आप देखो तो आपके पास एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया, हमारे पास वो एरर जो पहले आ रहा था वो नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम एक लास्ट चीज़ एम्प्लॉय की एज इस पर करा देते हैं। एंड एट लास्ट हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं एम्प्लॉय वन के लिए। सब आप देखो जो हमने डेटा मेंबर सेट किए थे उनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो हमारे पास जो भी कोड था वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। सो हमने सिंगल इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि आपके पास इनहेरिटेंस में डेटा मेंबर्स किस तरह से इनहेरिट हो रहे हैं, और आप एक क्लास के अंदर दूसरे डिराइव क्लास के अंदर बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहो तो आप किस तरह से कॉल कर सकते हो। अब बात आती है हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स की, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स की। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से कॉल होते हैं और हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स किस तरह से कॉल होते हैं। तो जब भी आप इनहेरिटेंस करते हो तो हमेशा सबसे पहले ये होता है कि आपके पास हमेशा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है एंड देन हमारे पास डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और डिस्ट्रक्टर जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, के पहले आपके पास डिस्ट्रक्टर डिराइव क्लास का कॉल होगा एंड देन हमारे पास डिस्ट्रक्टर जो है वो बेस क्लास का कॉल होगा। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हम एक काम करते हैं कि हम इनके कंस्ट्रक्टर में कुछ सी आउट स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपके पास कौन सा कंस्ट्रक्टर किस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल एंड देन हम इस को एनएल कर देते हैं, और इसी लाइन को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं अपने डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में, जिसमें हम लिख देते हैं डिराइव्ड डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्स, ठीक है। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अगर, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल हो रहा है। सो लेट मी रन इट। तब आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हमारे पास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है एंड देन हमारे पास डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर हुआ है कॉल हुआ है।
ऑल तो इस चीज़ को आप ना देखो कि हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन हमने इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट किया है. सो इट मीन्स कि आपके पास, इट डजेंट मीन कि आपके पास कंस्ट्रक्टर्स जो है वो इनहेरिट हो गए हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स आपके पास इनहेरिट कभी भी नहीं होते, ना ही आपके पास डिस्ट्रक्टर्स इनहेरिट होते हैं. इट जस्ट कि आपके पास कंस्ट्रक्टर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब आपके पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है. अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉय ई वन देखा था, तो हमने ई वन का जब बनाया, ठीक है, तो ई वन का जो भी हमारे पास टाइप थी वो एम्प्लॉय थी, और एम्प्लॉय की जो बेस क्लास थी वो पर्सन थी. तो हमने सबसे पहले पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली, एंड देन हमारे पास डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एंड उसके बाद हमारे पास जो जितने भी हमने फंक्शंस बनाए थे वो हमारे पास डिस्प्ले हो गए. सो दैट्स इट. और डिस्ट्रक्टर्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगे. पहले हमारे पास डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड देन हमारे पास बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो ये तो हमारे पास था सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है और किस तरह से होती है. अब नेक्स्ट, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आपको एक्सटेंड करके बताऊँ कि आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस किस तरह से होगी. ठीक है, सो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप सपोज कर लो कि ये हमारे पास जो है किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये सिस्टम बना रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट की क्लास भी होगी. ठीक है, तो हम अपनी एक स्टूडेंट की क्लास बना लेते हैं यहाँ पे. एंड हम स्टूडेंट की क्लास में हम जो है एक अब स्टूडेंट की क्लास के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे ये भी हम आगे देखते हैं कि हम इस स्टूडेंट की क्लास को जो है किस क्लास को इनहेरिट करने की ज़रूरत है. हम इसका अपना एक एट्रीब्यूट लिख लेते हैं जिसको हम कह देते हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट के एक एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर देते हैं जिसको हम कहते हैं जीपीए. ठीक है, हमारे पास जीपीए जो है ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि स्टूडेंट का है, एम्प्लॉय का नहीं हो सकता. ठीक है, और पर्सन का भी नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सन हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास टीचर्स भी हो सकते हैं, हमारे पास स्टाफ मेंबर्स भी हो सकते हैं. अब इस क्लास ने किसको इनहेरिट करना है? इस क्लास को बेसिक पर्पस इनहेरिटेंस का ये है कि इसने हमें इनहेरिट करना है बेसिक जो आपके पास फंक्शनैलिटीज़ हैं वो पर्सन क्लास की हैं. अगर आपके पास इस तरह की टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो कि आपके पास एक क्लास हो और उसके पास उसके हायरार्की बन रही, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास पर्सन एक क्लास थी, ठीक है, एम्प्लॉय एक और क्लास थी, और स्टूडेंट एक और क्लास थी. दो सेपरेट क्लासेस हैं जिन्होंने एक ही क्लास को इनहेरिट किया हुआ, जो कि हमारे पास पर्सन क्लास है. अब इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल इसी तरह हो सकती है, इसके भी अपने फंक्शंस हो सकते हैं, और जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली पर्सन की जितनी भी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो इस क्लास में मौजूद होंगी. ये हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गई. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो. आई डेफिनेटली आंसर यू. थैंक यू.